नगर परिषद सुजानपुर के सभी वार्डों पर कांग्रेस समर्थित पार्षद जीत दर्ज करेंगे और शहर के किसी भी वार्ड से मैदान में उतर जाऊं मेरी जीत सुनिश्चित है। ये बात पूर्व में नगर परिषद सुजानपुर के अध्यक्ष रहे और वर्तमान में वार्ड पार्षद मनोज ठाकुर ने विशेष साक्षात्कार के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 9 के 9 वार्डों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। इसके साथ साथ जिताऊ उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट दिया जाएगा और सबसे पहले जो पूर्व में जीत दर्ज कर वर्तमान में वार्ड पार्षद बनकर नगर परिषद में तैनात है चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये उन पर सहमति होगी। पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि नगर परिषद में जब से भाजपा समर्थित नगर परिषद बनी है तब से लेकर वर्तमान तक लोगों को कार्य करवाने के लिए यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ हटाया गया है, चक्कर पर चक्कर लगाए गए हैं। बिजली पानी कनेक्शन इत्यादि लेने के लिए मिलने वाली NOC हेतु लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी हैं। उन्होंने दावे के साथ कहा कि नगर परिषद सुजानपुर पर आने वाले दिनों में कांग्रेस का कब्जा होगा और NOC प्रक्रिया को निशुल्क और सरल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव 2 माह के भीतर हो या आज ही हो जाए कांग्रेसी समर्थित उम्मीदवार पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में जब भाजपा समर्थित नगर परिषद सुजानपुर में बनी थी उस समय भी कांग्रेस के पार्षद ज्यादा जीते थे लेकिन गलतफहमी के चलते भाजपा समर्थित नगर परिषद बन गई। लेकिन अब की बार डंके की चोट पर कांग्रेसी समर्थित नगर परिषद बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी रेडी फड़ी धारकों का जो भी किराया बना है उसे माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने शहरवासी से अपील करते हुए कहा कि इस बार के नगर परिषद चुनाव में जनता खुद अवलोकन करे किसे वोट करना है किसे नहीं करना है। जो पार्षद जीते हैं उन्होंने बीते 5 वर्षों में क्या किया, लोगों ने क्या खोया और क्या पाया है, ये सब जनता के ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस समर्थित और जिताऊ उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करे ताकि स्वच्छ सुंदर और काम करने वाले नगर परिषद इस बार सुजानपुर शहर में बन सके। कि नगर परिषद के जो दिसंबर में 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, चुनाव दिसंबर में हो जनवरी में हो, नगर परिषद में जो कांग्रेस का झंडा लहराया जाएगा उसके लिए मनोज ठाकर व उसकी टीम व सभी कांग्रेसी एकजुट तैयार है। इलेक्शन सुबह हो शाम हो जो भी हो, 9 की 9 सीटें जो है जीत के कांग्रेस की झोली में डाली जाएंगी। ऐसा है कि आनन फानन में जो भी हुआ, पहले इन्होंने वार्ड रिजर्व किए, बाद में ओपन किए, कभी इस वार्ड को रिजर्व कर रहे हैं कभी दूसरे को ओपन कर रहे हैं। ये जहां मर्जी से चैलेंज करें हम इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीत के आएंगे। और एक नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, 9 की 9 सीटें जो है कांग्रेस की झोली में डाली जाएगी। जहां से पार्टी हाई कमान के आदेश होंगे और जो भी वार्ड खुला होगा वहां से जहां बोला जाएगा वहां से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। नगर परिषद में 5 साल जो बीते उसमें बीजेपी की कमेटी बनी थी वो भी किन्हीं कारणों से बनी थी, सीटें हमारी जीती नहीं, लेकिन कुछ गलतफहमी के कारण जो है हमारे आदमी इधर से उधर गए। जो भी हुआ 5 सालों में लोगों के मुंह के सामने है, आज लोगों में त्राई त्राई मची है। कमेटी में एक काम के लिए 20-20 चक्कर काट रहे हैं, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रधान बचा रहा है, कभी इधर कभी उधर उसकी सुनता कोई नहीं है। लोग आज बोल रहे हैं कि 10 दिन या 5 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी जो है वो आपके सामने हो जाए। बिल्कुल जो हमारे कैंडिडेट जीते हैं पहले हम उनको टिकट देंगे और जो जहां से जीतने वाले उम्मीदवार होंगे 9 वार्डों से उन्हीं को दाव पर लगाया जाएगा। और हमें विश्वास है कि हमारे 9 के 9 जो कैंडिडेट वो अच्छे कैंडिडेट है, मेहनती कैंडिडेट है और जीतने वाले चिताऊ उम्मीदवार हैं और वो जीत के आएंगे और नगर परिषद में अपना परचम लहराएंगे, अपना परचम।